जय हिंद दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारतीय पुरुष टीम T20 की सीरीज अफगानिस्तान से अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, जिसमें आज आखिरी था जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने शुरुआत तो बहुत खराब की, लेकिन भारतीय पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी किए और टीम को एक ऐसे स्कोर तक ले गए जहां से भारत का 100% मैच जीतना संभव है। एक समय भारतीय पुरुष टीम का 4 विकेट गिर चुका था 22 रन पे, उसके बाद भारतीय टीम लड़खड़ा सी गई थी। उसके बाद आया रिंकू सिंह, ने भी अपना बखूबी फिनिशर का रोल निभाया। भारतीय पुरुष टीम का शुरुआत ऐसा रहा जिसमें यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, जिसमें यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाए 6 बॉल में और आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली आए, वो भी आउट हो गए। पहले 2 मैच में शर्मा जी जो लड्डू लेकर के आते थे, वही लड्डू इस बार शर्मा जी के जमाई विराट कोहली ने ला करके दिया टीम इंडिया को, और 0 रन पे बॉल के सिवा बॉल खेले, बाकी सारे चीज लड्डू लेकर आए। उसके बाद शिवम दुबे जो पहले 2 मैच में शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस किए, वो भी 1 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद संजू सैमसन आए इस सीरीज का, पहला मैच खेल रहे थे, पहले ही गेंद पे आउट हो गए। उसके बाद रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह और रोहित शर्मा कप्तान के द्वारा 190 रनों का पार्टनरशिप हुआ, जिसमें रोहित शर्मा ने अपने 151वें मैच में 121 रनों का न्योता पूरा है और भारतीय टीम को अपराजित रहने वाले स्कोर तक पहुंचाए। रोहित शर्मा के इस परफॉर्मेंस को अरसों तक याद रखेंगे टीम इंडिया और टीम इंडिया के लोग। रोहित शर्मा अपने करियर का ये 5वां शतक लगाए हैं T20 में, वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल 4-4 T20 शतक के साथ 2 नंबर पे हैं। IPL से उभर कर आए रिंकू सिंह, लेफ्टी बैटिंग के द्वारा वो हमें याद दिलाते हैं युवराज सिंह, जो एक समय पे T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल पे 6 छक्का लगाए थे। वही आज रिंकू सिंह किए लास्ट ओवर में आखिरी तीन गेंद पे 3 छक्का लगा करके भारत को 212 के स्कोर तक पहुंचाए और अपने फिनिशर का दावेदारी ठोक दिए। बॉलिंग में अफगानिस्तान की तरफ से ए अहमद 4 ओवर में 20 रन देकर के 3 विकेट लिए 5 की इकोनॉमी से, अफगानिस्तान की तरफ से ए उमर जई 4 ओवर में 33 रन देकर के 1 विकेट लिए 8+ की इकोनॉमी रेट से, और आखिरी ओवर में गेंद करने आए के जन्नत को भारत के कप्तान रोहित शर्मा और फिनिशर रिंकू सिंह जन्नत का शेयर करा दिए जन्नत को, जिसमें आखिरी ओवर में 6 बॉल पे 36 रन लगा करके आखिरी ओवर को सबसे बड़ा ओवर बना दिए, जिसमें एक नोवल भी शामिल था। अंततः भारत ये मैच तो जीत ही गया, यानी मतलब कि जीत ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनों ही अच्छी बैटिंग कर ले अफगानिस्तानी टीम, लेकिन ये भारत मैच जीता हुआ है। ये मैच जो मिस किए होंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे और पछताएंगे, और जो देखे होंगे वो तो जिंदगी भर खुश रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा आपका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।